माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में एक पर्व मनाते हैं जो कर्म पर्व कहते हैं। कुछ मैंने पहले इसको मनाया था, उससे पूर्व में ही कुछ लोग मेरे से सवालें करना शुरू किया था, क्या हम कैथोलिक लोग, क्रिश्चियन लोग ये कर्म का ये जो त्योहार है इसको मना सकते हैं। सच बोलूं, मैं जब ये जो झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में रटीटे देते वक्त एक दो बार इस कर्म पर्व के समय पर भी मैं वहां पर रटीट दे रहा था। मुझे आज भी याद है, एक पल्ली प्रयुक्त ने मेरे से कहा, अभी कर्म पर्व है, उसी समय पर इन्होंने चर्च में बाइबल कन्वेंशन रखा था और लोगों से आग्रह किया था पूरे लोग चर्च में रहे, और वहां पर हम लोगों ने पवित्र बाइबल का जुलूस निकाला और बाइबल की स्टडी करते हुए निकाला था। और फादर ने मेरे से कहा ताकि लोग चर्च में रहें, आराधना करें, प्रभु की पूजा करें, और हम लोग हर वर्ष इस प्रकार हमारे रीति से इस पर्व को मनाते हैं। वो दिन कर्म पर्व है, लेकिन हम लोग क्योंकि आदिवासी लोग बहुत सालों से, उनके पीढ़ियों से ये पर्व मनाते आ रहा है, अभी क्रिश्चिय लोगों के लिए हम लोग क्रिश्चिय तरीके से मिस्सा, बलिदान, आराधना ये सब करते हुए मनाते हैं। तब मेरे मन में यही था, इसका मतलब हर पल्ली में हर क्रिश्चिय जो आदिवासी लोग हैं वे लोग अपने तरीके से इस पर्व को मना रहा है, कोई अंधविश्वास का कर्म नहीं करते हैं। मेरे मन में यही विचार था, इसलिए उसी प्रकार का कुछ जवाब मैं उन लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा देते जा रहा था। लेकिन एक भाई मेरे पीछे पड़ गया एकदम, वो बार बार कई सवाल कर रहा था। और इसके बाद कर्म पर्व खत्म होने के बाद वो उनका ही पल्ली का पल्ली पुरोहित किस प्रकार वहां मनाया, जैसे कर्म पर्व होता है उसी प्रकार पेड़ के चारों तरफ डांस करना। और उस भाई ने मुझे उनके फादर, उनका नाम तक लिखा हुआ था, फलाना ड्रेस में जो नाचने वाला व्यक्ति है वो डांस भी मुझे डाल करके दिखाया, देखो पुरोहित स्वयं ये नृत्य कर रहा है। तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला हाँ नाच गाना करने में क्या गलती है। इसके बाद मुझे एक और वीडियो फिर मिला, ये हमारे रांची आर्च डायसिस के आर्च बिशप फेलिक्स टोपो का संदेश है। इस साल का नहीं, पिछले साल उन्होंने जो रांची धर्म प्रांत का जो यूट्यूब चैनल है उसी के अंदर पड़ा हुआ है इनका ये जो संदेश है, 8-10 मिनट का एक संदेश है। उनके द्वारा वो कर्म पर्व किस प्रकार मनाता है, क्यों मनाता है, यह सब उसमें अच्छी तरह बताया। उनके उस वीडियो को देखकर मेरे हृदय में बहुत दुख लगा। अब मुझे पता चला है
कि यदि कोई भी क्रिस्तीय व्यक्ति, हमारे आदिवासी भाई बहन, यदि एक कर्म पर्व मनाएगा, वो आत्ममारु पाप करते हैं, पहली आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे ईश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा, अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं। ये किसके द्वारा बोला है? ये रांची महाधर्म प्रांत का आर्च बिशप फेलिक्स टोपो के ये वीडियो में मुझे पता चला। इतना अच्छी तरह किसी फादर ने, किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं समझाया हमारे आदिवासी लोग किस प्रकार ये कर्म पर्व मनाते हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ, उन्होंने उस वीडियो के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला है कि कर्म पर्व ईसाई लोग मनाना चाहिए, कहीं भी एक शब्द। मैंने उस वीडियो को 2-3 बार इसलिए देखा, और प्लस उन्होंने जो कहा है उस पॉइंट को भी मैंने नोट किया। इसका मतलब है मैंने बड़े ध्यान से उनके उस क्लास को सुना। ये पर्व, इस क्लास को सुनने के बाद मुझे पता चला ये सरना आदिवासी लोग मनाते हैं, क्रिस्तीय आदिवासी लोग इस पर्व को नहीं मना सकता है। यदि आप मना रहा है, आप मूर्ति पूजा कर रहा है, पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, आत्ममारु पाप कर रहा है, आप इसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या कारण है? आर्चबिशप फेलिक्स टोपनो का जो संदेश है कर्म पर्व के समय पर, उन्होंने सरना आदिवासियों के लिए यह संदेश सुनाया होगा, मेरा विश्वास है। उन्होंने एक गलती किया, उस संदेश के अंदर कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये क्रिश्चिय आदिवासी नहीं मनाना चाहिए। अभी इसका कारण क्या है, अभी मैं आगे आपको बताकर देता। उन्हीं के शब्दों से उन्होंने जो कहा हुआ बात, पहली बात, कर्म पर्व मनाने का 4 कारण उन्होंने बताया क्यों जो कर्म पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले ये पर्व फसलों की सुरक्षा के लिए, जो खेतीबाड़ी कर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया, हमारे अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। तीसरा, उन युवतियों के लिए जिनका लगन हाल ही में हुआ है, उन्हें अपना अच्छा पति मिलने के लिए और उन्हें संतान मिलने के लिए वे उपवास प्रार्थना करते हुए करते हैं। और चौथा, एक इतिहास है इसके पीछे, और आर्चबिशप जी ने इसके पीछे का 2 इतिहास बताया। आशीर्वाद मांगती हैं, इसके साथ ही वे उपवास व्रत रखती हैं ताकि भाइयों का कल्याण हो। कर्म कहानी के अनुसार कर्म मनाने और कर्म की पूजा करने का कारण इस प्रकार बताया जाता है। 7 भाई और 7 गोतनी की कहानी में सबसे बड़े भाई ने, और कर्मा धर्मा की कहानी में कर्मा ने कर्म राजा की सेवा पूजा नहीं की, उल्टे गाड़ी हुई कर्म डालियों को उखाड़ फेंका और कर्म राजा का अपमान किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आ गईं। तब उसने अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप किया। पहला इतिहास है 7 भाई और 7 भाइयों की एक कहानी। उनमें बड़ा वाला भाई ये कर्म पर्व नहीं मनाया और इसलिए उनके खेतीबाड़ी सब नष्ट होना और बाद में धीरे धीरे वो बीमार होना, इसके बाद वो पश्चाताप करते हुए फिर कर्म राजा की खोज करते हैं और पूजा करते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त करते हैं।
और दूसरा कहानी है कर्मा और धर्मा की कहानी। इस कहानी में कर्मा ने वही कार्य नहीं किया, ये त्योहार नहीं मनाया, और उल्टा जो कर्म राजा की पूजा किया भी नहीं और जो कर्म की डालियां जो गाड़ कर रखा है उसको भी उखाड़ कर फेंका। इस कारण उनके पूरा खेतीबाड़ी नष्ट हुआ और बीमार हुआ। इसके बाद फिर वो पछताव करते हैं और कर्म राजा को ढूंढते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तब उन्हें आशीष मिलता हुआ। इस प्रकार का दो इतिहास इसके पीछे हैं। इस दो इतिहास के पीछे के कारण से इसका मतलब अच्छे खेतीबाड़ी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ युवतियों के अच्छे विवाह वैवाहिक जीवन के लिए इसको मनाया जाता है। और मनाने का तरीका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, उसको भी मैं बताना चाहूँगा। ये बताने का उद्देश्य आपको ये समझना है किस प्रकार ये अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, क्रिस्तीय लोग इसको नहीं मना सकता। इसके ऊपर कर्म त्योहार में कर्म डालियों को देव तुल्य बहुत ही आदर दिया जाता है। शाम को लड़के लड़कियां गाते बजाते कर्म काटने जाते हैं। काटने से पहले कर्म वृक्ष पर सिंदूर लगाया जाता है और अरवा धागे से तीन बार बांधा जाता है। इसके बाद पेड़ की तीन डालियों को काटा जाता है। इन डालियों को जमीन पर गिरने से पहले ही उपवास व्रत रखने वाली लड़कियां हाथों हाथ संभाल लेती हैं। फिर इन डालियों को सम्मान के साथ गांव के पहान के आंगन में ले जाती हैं। पहान इन डालियों को अखाड़े में गाड़ देता है और एक स्वच्छ धागे से बांध देता है। लड़कियां अपने अपने कर्म डौरी को कर्म के नीचे रख देती हैं। कर्म टोकरी में कुछ चावल, चिवड़ा, खीर। आर्चबिशप जी का कहना है इसको मनाने के लिए कर्म डालियों को काटा जाता है। नंबर वन फर्स्ट पॉइंट, ये कर्म डाली को एक पेड़ का लकड़ी है, डाली है, उसको देव तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य आदर देता है। ईश्वर का बराबर आदर उन वृक्ष को, उन पेड़ को देता है और इसलिए उसको काटने के लिए कैसे जाते हैं, उपवास करते हुए लड़कियां लड़के नाचते गाते हुए जंगल में जाते हैं और उस पेड़ से तीन डालियों को, सबसे पहले उसको सिंदूर लगा करके पूजा किया जाता है। इसके बाद उसे अरवा धागे से तीन बार बांधा जाता है। इसके बाद उससे तीन डालियां काटते हैं, लेकिन उन डालियों को नीचे गिरने नहीं देता। ये जो उपवास करने वाली लड़कियां उसको अपने हाथों में संभालते हैं और वहां से नाचते गाते हुए गांव में आते हैं और गांव में पहले से तैयार किया हुआ वो जगह, उस जगह पर उसको गाड़ते हैं। इसके बाद स्वच्छ धागे से फिर उसको फिर से बांधा जाता है और जो लड़कियों ने अपने पास रखे हुए जो कर्म टोकरियां उसके अंदर भी कुछ आइटम क्या क्या है वो भी दिया हुआ है, वो भी पूजा के लिए रखा जाता है। इसके बाद जिन लड़कियों का जो लगन हुआ है उनको कंधे पर उठा करके उस वृक्ष के उस डालियों जगह गाड़ा है उसके चारों तरफ तीन बार घुमाया जाता है। इसके बाद सब लोग रात्रि भोजन के लिए अपने घर जाते हैं। भोजन करने के बाद इसका मतलब खा पी करके, अड़िया दारू पी करके फिर से वहां पर आते हैं। इसके बाद पूरे रात्रि भर और अगले दिन दोपहर का समय तक ये नाच गाना सब चलते रहता है। इसके बाद दोपहर को अगले दिन इन डालियों को बड़े भक्ति के साथ वहां से निकाल करके वास गांव के हर एक घर में घुमाया जाता है और उस घर के जो मुखिया मालिकिन उसको सिंदूर लगा करके स्वागत करते हैं और नाचने गाने वालों को पूड़ी जो खाने पीने के लिए सब देते हैं।
आखिरी में पूरे घरों में ऐसा घुमाने के बाद फिर इसको बड़े भक्ति के साथ तालाब में विसर्जित करता है करके। अभी इस किस लिए इसको करना है, इसका विशेषता के रूप में उन्होंने चार पांच पॉइंट बोला। जैसे मैंने पहले बोला, फसलों की सुरक्षा है अच्छा स्वास्थ्य के लिए, और वहां पर उन्होंने कहा आग देवता से प्रार्थना करते हैं, आग देवता से प्रार्थना करते हैं। एक करम देवता है, करम राजा की पूजा, और आग देवता की पूजा होता है। इसके बाद लगन लगी हुई जो लड़कियां हैं उनके सम्मान के लिए, उनके अच्छा भविष्य के लिए, और इस पर्व के द्वारा आदिवासी लोग अपने संस्कृति को सुरक्षित रख रहा है। जो पूजा करते हुए आए, इसलिए वृक्ष की पूजा करना है, जो संस्कृति जो चलते आए उसको अभी कायम रखा हुआ है, और पूरे गांव को इसके द्वारा एक सूत्र में बांधा जाता है, और रात्रि भर नाच गाना सब चल रहा है, इसलिए नाच गाने का और आनंद मनाने का एक अच्छा अवसर है करके हमारे आदरणीय आर्च बिशप फेलिक्स टोपो जी ने कहा है। यहां पर मैं दो तीन पॉइंट को ही पकड़ता हूं। सबसे पहले करम देवता का पूजा, उन्हें करम राजा भी बोल रहा है, और उनकी पूजा नहीं करने से आपके फसल सब नष्ट हो जाएगा और आप बीमार हो जाएगा। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है, इस करम राजा की पूजा हर साल करना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कहा है, इसमें आग देवता की पूजा करता है। तो ये करम देवता और ये आग देवता हमारे क्रिस्तीय धर्म का कोई देवी देवता नहीं है। हमारे एकमात्र ईश्वर है जो आपको स्वास्थ्य देता है, आपको खेती के लिए जो बारिश देता है, जो कुछ आपके खेतीबाड़ी के लिए इस संसार की सृष्टि करता ईश्वर का नाम ये ना ये करम राजा है ना ये आग देवता है। ये इसका मतलब ये जो पर्व मनाना है केवल जो सरना आदिवासी लोग, जिन आदिवासी लोगों ने ईसा मसीह को अपना मुक्ति दादा और एकमात्र ईश्वर में जो विश्वास करने वाला, ये पूजा नहीं करना चाहिए। आर्च बिशप फेलिक्स टोपो के इस संदेश के अंदर साफ साफ बताया है ये पूर्णता एक मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास के कर्म है। किसी वृक्ष को देव तुल्य ईश्वर के तुल्य आदर दे करके उसकी पूजा करना ये क्रिस्तीय धर्म का सीख नहीं है। यदि आप लोगों को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को पढ़ना है, कैटेगिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2110 से लेकर के 14 तक वचनों में पहली आज्ञा का उल्लंघन किस किस प्रकार से लोग करते हैं, इसका वर्णन कर रखा है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 65 और 66 के अंदर ईश्वर के प्रकटीकरण के विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर नबियों के द्वारा प्रकट किया, अपने सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, इस प्रकार प्रकटीकरण चलते चलते अंत में लास्ट प्रकटीकरण रेवलेशन ऑफ गॉड, लास्ट रेवलेशन जीसस क्राइस्ट में आकर के खत्म हुआ है। इसके बाद कोई प्रकटीकरण नहीं होगा। और 65 में मेरे को पढ़ने के लिए भी मिला, कोई भी व्यक्ति ईश्वर से भी अगर प्रार्थना भी करे कुछ और प्रकटीकरण के लिए, वो निर्बुद्धि व्यक्ति है, वो गलत व्यक्ति है, वो ईश निंदा कर रहा है। इसका मतलब है कैटेगिस्म 65-66 के ओर से इन कर्म देवता का हो, ये आग देवता में आप स्वास्थ्य ढूंढना शुरू करेंगे, आप उसको देवतुल्य मानेंगे उन दालियों को, और इस पर्व को गांव की एकता के नाम हो या किसी भी नाम से, यदि इस पर्व में शामिल होकर के
आप इसको, इस पेड़ को, इस डाली को, उस कर्म राजा को देवतुल्य मानेंगे, आप मूर्ति पूजक है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का पूजा करने के लिए सीखेगा, वो कैथोलिक चर्च की ओर से हेरेसी है, पाषंडता है। कैनन लॉ 750 एंड 753 के अनुसार, कैनन लॉ 750 और 753 के अनुसार इस प्रकार सिखाना पाषंडता है और वो कलीसिया से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी कारण बोल करके कर्म पर्व मनाने के लिए बोल रहा है, या आप मनाते हैं, आप अपना संस्कृति बोल करके इस पर्व को मना रहा है, तो आप पाषंडता में पढ़ करके ऑटोमेटिकली क्रिस्तीय धर्म से बाहर है। सीधी सी बात, कैनलो इसी प्रकार ये शक्ति दिखाता है। अभी कुछ और बाइबल का पाठ भी मैं सुनाना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र सबसे पहले खोल देते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 2 को, वाक्य 1 से अगर 10 तक का पढ़ करके जाना, 1 से 10 तक पूरा ये है। क्या है? आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। पहले इस प्रकार का कार्य करते हुए, पेड़ पौधा या प्रकृति का पूजा करते हुए, आग की पूजा करते हुए या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए, आप इस प्रकार पाप में मरा हुआ था, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति रिवाज के अनुसार, हम आदिवासी हैं, हमारे एक रीति रिवाज है बोल करके उसके अनुसार था। आकाश में विचरने वाले अपतूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है, जो ईसा मसीह को और सत्य ईश्वर को और एकमात्र ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले में आज भी वो कार्य है, उनको करने तो ना। इसलिए मैंने बोला है, सरना आदिवासी भाई बहनों को इसको करने दीजिए, क्योंकि वे लोग ईसा मसीह को, ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपनाया नहीं। उनका अनेकों ईश्वर है, प्रकृति का ईश्वर, बारिश के लिए ईश्वर, खेतीबाड़ी के लिए ईश्वर, स्वास्थ्य के लिए ईश्वर, इस प्रकार अनेकों ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, उनको विश्वास करने दीजिए। यदि एक व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त कर क्रिस्तीय विश्वास में आया, वो एकमात्र ईश्वर में विश्वास करता है, तो इस प्रकार के संसार के आत्मा में आप नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार पूरा उसको पढ़ करके जाना। इसके बाद मैं कुलोसियों का पत्र को भी थोड़ा खोलना चाहूंगा। कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 में, कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6-8 तक भी अगर पढ़े, या 2 वहां पर भी भ्रामक सिद्धांतों से सावधान रहो, आपको भ्रमित कर, आपसे ऐसे ऐसे पूजा करवा कर नरक के योग्य बनाने वाला जो शिक्षा मिल रहा है उससे आप सावधान रहो। चाहे आदिवासी संप्रदाय, चाहे हमारे केरल के ओणम फेस्टिवल बोल करके कई लोग इस प्रकार का गलती करते हैं। मैं स्वयं ऐसा क्लास डाला हूं, हमारे देश का जो पर्व है, जैसे मैंने मुझे याद है मैंने एक क्लास डाला है, किसी ने पूछा था दीपावली में हम दीप जला सकते हैं, मैंने बोला हाँ दीप जलाइए, पटाखा फटाइए, किसके लिए? यीशु के नाम से, संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह को स्वागत करने के लिए आप भी अपने घर में पटाखा फोड़ दीजिए, आप भी दीप जला कर रखिए। यदि अन्य जो लोग हैं, शरणा लोग जो है, यदि राम और सीता का स्वागत के लिए वो दीप जला रहा है, आप अपने घर में, क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, आप इस उद्देश्य से, मेरे यीशु के लिए, हम लोग तो रोज बत्ती जलाते हैं,
प्रार्थना के समय पर आप भी जलाइए, लेकिन आपका उद्देश्य शुद्धि होना चाहिए, आपका उद्देश्य शुद्धि होना चाहिए। पूजा के लिए अर्पित, देवी देवताओं के लिए अर्पित मांस नहीं खाना, इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब उन्होंने उसके लिए अर्पित किया हुआ प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको अपने विश्वास को प्रकट करना है अन्य लोगों के बीच में रहते वक्त, मैं एक ईसाई हूं, मैं ईसा मसीह को अपनाया हूं, जो पुराना जितना भी अंधविश्वास का कर्म है मैं त्याग चुका हूं, इसके साक्षी आपको अन्य लोगों के बीच में देना है। आप यीशु का साक्षी कैसे बन रहा है अन्य लोगों के बीच में? आप यीशु बनकर करेगी। यहां पर क्या लिखा है, कलोसियों का पत्र अध्याय 2:6 अगर पढ़ेंगे, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। कर्म राजा को नहीं, आग देवता को नहीं, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी होना चाहिए, नींव सुदृढ़ होना चाहिए। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे। हमारे पूर्वज लोग इस प्रकार का पाप करता आया है, इसी वजह से तो हमारे आदिवासी समुदाय दारू पीना क्यों नहीं छोड़ रहा है। अंधविश्वास के कर्म, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अरे हमारे पीढ़ियों से चल करके आ रहा है। बचपन से वासना के पाप में क्यों नहीं, अरे हमारे कल्चर है। यदि ईसा मसीह को आपने स्वीकार किया है, इस प्रकार का पूर्वजों से चली आने वाले निरर्थक बातों से ईसा मसीह का वो रक्त आपको छुड़ाना चाहिए। पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1:18 को भी पढ़ना पड़ेगा। पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1:18 वहां पर लिखा है, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या, निरर्थक बेकार की जीवनचर्या, जो अंधविश्वास का कर्म चलते आ रहा था हमारे जीवन में, हमारे कुलों में, उससे ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नसर चीजों से नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंग मेमने अर्थात ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ। ईसा मसीह ने कलवारी में जो रक्त बहाया, अपने शरीर में पीड़ाएं सहा, इसलिए ताकि हमें इस प्रकार के पूर्वजों से चले आने वाला, इन मूर्ति पूजाओं से, इन प्रकार के पाप बंधनों से छुटकारा दें। हमारे उस मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने इस प्रकार का कार्य किया, इसके बावजूद भी हम उसी में लिपटे हुए हैं। हमारे पूर्वजों से चले आ रहे बोल करके उसी पूजा में लगे हुए हैं। यहां पर पेत्रुस कहते हैं उस पाप से आपको छुटकारा मिल गया है, ईसा मसीह के कलवारी बली आपको उसे छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति कलवारी बली अर्पित किया, अपना शरीर अर्पित किया, अपना रक्त बहाया, उसको याद करो। इस प्रकार के पाप से, पाप के बंधन से हमें इसलिए दूर रहने की बहुत ही जरूरी है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 7 के अंदर ईसा मसीह फरीसियों को डांटते हुए कहते हैं, तुम लोग अपने पूर्वजों की उन परंपरा, उन त्योहारों को मनाते बनाते मनाते आ रहे हैं, ईश्वर की संहिता को आप लोग छोड़ रहा है। ईसा ईश्वर का दिया हुआ संहिता, जो एकमात्र ईश्वर में आप विश्वास करते हुए, जिस ईसा मसीह में, ईश्वर में आप विश्वास करते हुए आए, उस ईश्वर की संहिता को आप त्याग रहे हैं। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 7:1-6 तक का वचन अगर पढ़ेंगे, वो पूरा पैराग्राफ Deuteronomy 7:1-6
वहां पर हम लोगों को साफ साफ सिखाते हैं, जिस देश में आपको भेज रहा है, रहने दे रहा है, उस देश में इस प्रकार का अनेकों अंधविश्वास का कर्म रहेगा। वे लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करेगा, पेड़ों की पूजा करेगा, जो कुछ करेगा। आप ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के कारण आप उनका अनुकरण नहीं करना। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। वाक्य 6, हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है, उस समुदाय से आपको विशेषकर चुना है, आपको अलग किया है। इसके बाद उस कर्म में वापस मत जाइए। मेरे विचार में इतना काफी है। एक निर्णय कीजिए, आज तक जो हुआ है, यदि आपने इस प्रकार का पूजा किया, पेड़ों का पूजा, आग की पूजा, इस प्रकार के अंधविश्वास का कर्म किया है, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए, जिसने मेरे लिए कलवारी पर रक्त बहाकर इस पाप से मुझे मुक्ति देने का कर्म किया, जिसने मेरे इस प्रकार के पाप के लिए यातनाएं सही, अपने शरीर में कोड़े खाए, मेरे पापों का वो भोज क्रूस उठाकर कलवारी की ओर चल पड़ा, उस प्रभु को स्मरण करो, याद करो, उनके उस दुख भोग को याद करो। याद करते हुए पश्चाताप कीजिए। इसके बावजूद भी मैं अंधविश्वास में ऐसे ऐसे कर्म, राजा कर्म, पर्व कर्म, पूजा करने के लिए गया, प्रभु से माफी मांगी है। इसी प्रकार कोई भी पाप कर रहा है उसके लिए प्रभु से माफी मांगी है। एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु से माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, आप से ऐसा ना करने का निर्णय कीजिए। प्रभु दयालु ईश्वर है, आप पर दया करेगा, आपके परिवार पर दया करेगा, यदि आप पश्चाताप करेंगे। एक पुरोहित के पास जाकर के पश्चाताप करते हुए, रोते हुए उसके लिए माफी मांगेंगे, प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं हमारे सभी आदिवासी क्रिस्तियों के लिए। जो कोई आदिवासी के नाम पर या हमारे पूर्वजों का परंपरा भूल कर इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म करते हैं, प्रभु ने पश्चाताप की कृपा दे। और हमारे कलीसिया के जितने भी अगुआ लोग हैं, अपने भेड़ों को सही मार्ग नहीं दिखा रहा है, उस पाप में लगे हुए हैं, भेड़ों को उस पाप की घाटी में ले जा करके मरने छोड़ रहा है, ऐसे अगुआ लोग, उनको भी पश्चाताप की कृपा मिले, सत्य को जानने का और सत्य ईश्वर के विश्वास में सारे अंधविश्वास का कर्मों को त्यागने का इन्हें कृपा मिले, अपने भेड़ों के लिए उदाहरण का जीवन जीने और भेड़ों के बीच में रह करके उन्हें सही मार्ग दिखाने का, सही संदेश सुनाने की कृपा इन गडरिये लोगों को मिले। प्रभु सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। आप सबों को जय यीशु।